नमस्ते, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग मैं शुरू करी सुबह से, और आज का जो दिन है वो रामनवमी का दिन है, और हमारे घर में आए हैं कुछ नारियल पानी यानी डब। तो इसे कुछ दिन मैं पीऊँगी, और गैस में पता नहीं ये चाय बन रहा है कि काढ़ा बन रहा है, तो ये मेरे हस्बैंड चढ़ा के गए हैं। तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ दिन से मैं जो अपना खान पीन है, थोड़ा सा डाइट है, वो थोड़ा चेंज की हूँ। तो अब से मैं डेली कुछ दिनों तक नारियल पानी पीने वाली हूँ। डाइट कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वेट लॉस के लिए कुछ कर रही हूँ। मैं सिर्फ डाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी स्वेलिंग वगैरह की बॉडी में, इसलिए मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि थोड़ा सा आप डाइट वाइट चेंज कीजिए, और थोड़ा सा जो अपना जो एक्सरसाइज है या फिर वॉकिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी, मेरी बॉडी में स्पेशली बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं थोड़ा सा डाइट वगैरह चेंज कर रही हूँ, या मैं वेट लॉस वगैरह कोई प्लान वगैरह नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड साफ करें लाल भाजी, तो भी मैं भी उनके साथ जा रही हूँ अब लाल भाजी साफ करूँ। तो यहाँ पे जो लाल भाजी वो साफ हो गई है, तो मैं उसे पानी में थोड़ी देर भिगो के रखूंगी, और उसके बाद उसे 3 से 4 बार धोऊंगी पानी से, क्योंकि भाजी वगैरह में मिट्टी बहुत ज्यादा चिपकी रहती है, तो इसे ज्यादा धोना पड़ता है। और यहाँ पे जो लहसुन है और प्याज है वो भी साफ़ हो चुके हैं, तो बस सब्जी को मुझे छोक लगाना है। और यहाँ पे मैं अपना मेहंदी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो कल मैं मेहंदी लगाई थी, कैसा लग रहा है मेरा मेहंदी अलवा जलवा डिज़ाइन वाला, और बिल्कुल भी कलर सही से नहीं आया है इसका। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ भाजी को छोकने की। उसके लिए मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, और एक तरफ जो चाय है वो पक रही है। तो जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें ऐड कर देंगे हम लहसुन। लहसुन जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज करेगा उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लाल सूखी मिर्ची, और उसके बाद हम ऐड कर देंगे प्याज, और सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा सा अच्छा फ्राई हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम जो भाजी को अच्छे से धो के रखे हैं उसे ऐड कर देंगे। तो भाजी को अच्छे से मैं चम्मच चला के मिक्स कर दी हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मूंग दाल। तो मूंग दाल को हमें भिगो के नहीं रखना है, बस इसमें धो के रखी थी, 2-3 बार धो लेना है, वॉश कर लेना अच्छे से पानी में। और अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और इसको डालने के बाद मैं इसे डायरेक्ट ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दूँगी। अभी मैं चम्मच नहीं चलाऊँगी, तो 5-10 मिनट बाद आप इसे चम्मच चला सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसी में अभी नमक डाल दीजिए, पर अभी मैं नमक नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी को अच्छे से चम्मच चला के मिक्स कर रही हूँ। तो 10 मिनट बाद आप इसे अच्छे से चम्मच चला दीजिए, और उसके बाद इसमें जो कटे हुए टमाटर है वो ऐड कर दीजिए। अगर आप टमाटर खाते हैं भाजी में तो ऐड कीजिए, नहीं तो बहुत लोग टमाटर नहीं डालते हैं। उसके बाद मैं इसे ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दूँगी धीमी आँच में। तो हमें अब थोड़ी देर और वेट करना है जब तक टमाटर पक रहा है। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल चुका है, और जो ये सब्जी है बनके तैयार हो गई है। तो इस सब्जी को आपको धीमी आंच पे पकाना है, तेज़ आंच मत करिएगा, नहीं तो सब्जी जल जाएगी। तो यहाँ पे जो दाल है वो भी पक गई है, भाजी भी पक गई है, तो सब्जी बनके रेडी है, और एक तरफ जो चावल है वो भी पक रही है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लड टेस्ट के लिए, जैसे कि मैं आपको पहले बताई। तो टाइम हो चुका है, तो ब्लड टेस्ट करने जा रहे हैं, और साथ में ही डॉक्टर से भी मिल के आएंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बताई मुझे कुछ दिक्कत हो रहा है स्वेलिंग का, तो इसलिए ब्लड टेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे डॉक्टर ने बोला है। तो अभी हम लोग ब्लड टेस्ट करवाने जा रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर से ही मिलते आएंगे। और जाने के लिए बाहर थोड़ा सा मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन काम है तो जाना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्लड टेस्ट करवाने, तो ब्लड टेस्ट करवा के फिर डॉक्टर से मिल के आती हूँ, फिर बीच में वीडियो अगर बना पाई तो मैं आप लोगों को मिलूँगी। तो जस्ट राइट नाउ अभी हम लोग आए हैं, और मैं कपड़े वगैरह चेंज कर ली हूँ, नहा ली हूँ क्योंकि बाहर से आए हैं। तो और मेरा जो ब्लड टेस्ट है वो हो चुका है, और कुछ मेडिसिन दिए हैं डॉक्टर ने, क्योंकि हम डॉक्टर के पास भी गए थे, तो वो मेडिसिन भी लेके आए हैं। और जो रिपोर्ट वगैरह है वो सब आजकल ऑनलाइन आ रहे हैं, तो मे बी शाम तक जो मेरा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है वो आ जाएगा, और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद जो मेरा ट्रीटमेंट है आगे वो चलेगा।
तो बहुत ज़्यादा मैं नर्वस हूँ और बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि जो मेरा पल्स रेट है वो कम आ रहा था, ऑक्सीमीटर जो देखते हैं उसमें। तो डॉक्टर बोले हैं कि कल और एक बार आके करवा लेना अगर कुछ ज़्यादा लगता है तो देखते हैं कल क्या होता है। तो लेकिन फ़िलहाल तो मैं ठीक फील कर रही हूँ, पता नहीं उनके मशीन में कुछ दिक्कत था कि क्या था, तो बोल रहे थे कि आप थोड़ा घबरा रहे हो इसलिए हो सकता है। तो कल फिर से मैं जाऊँगी अगर मुझे ठीक नहीं लगेगा तो डॉक्टर पास। और आते समय हमने कुछ दवाई जो लिखे थे डॉक्टर वो लेके आए हैं, और मेडिसिन वगैरह लेके आए हैं, और फ्रूट्स लाए हैं, मेडिसिन दवाई एक ही होता है, तो दवाई और फ्रूट्स वगैरह लेके आए हैं। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद खाना वगैरह जो खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया हमको वहाँ से आने में, क्योंकि डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो देखते हैं आगे और क्या ट्रीटमेंट चलता है। तो ये सब मेरी दवाई है जो मैं लेके आई हूँ डॉक्टर के पास से, तो इसे मैं बाहर ही रख दी हूँ थोड़ी देर, और खाना वगैरह जो हम लोग खा लेंगे उसके बाद मैं इसे लेके जाऊँगी अंदर रखने के लिए। और ये फ्रूट्स, तो फ्रूट्स बहुत महंगे थे, तो जो थोड़े मोड़े फ्रूट्स मिले वो तो धूप में रख दिए पानी में डाल के, तो शाम को इसे हम लोग काट के खाएंगे। ये है बासी, छत्तीसगढ़ के फेमस खाना। यही ला खाकर सब खेती किसानी में किसान मन खा के जाते, वो अब्बड़ कमाते। तो शाम का समय हो गया है और हम लोग बैठे हैं बाहर। तो मैं आप लोगों को टेबल दिखाई थी जो छत में रखा है, उसी में बैठे हुए हैं और हवा तो नहीं चल रहा है लेकिन मच्छर काट रहे हैं, फिर मच्छर से कटवाते हुए बैठे हुए हैं। और कुछ नहीं, बस बैठ के रिपोर्ट का इंतज़ार करें। तो ब्लड टेस्ट जो करवाया था उसका रिपोर्ट आया नहीं है, तो वो ऑनलाइन आएगा, तो उसी का वेट कर रहे हैं। आज इसका ब्लड टेस्ट कराया गया है और लीवर का भी टेस्ट कराया है, उसका भी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, देखते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी पहले वीडियो में कि जो मेरे फेस में स्वेलिंग आ रही थी और मेरे बॉडी में भी थोड़ी स्वेलिंग आई थी, सूजन सी, उसके लिए डॉक्टर बोले थे। तो फिलहाल अभी ब्लड टेस्ट हुआ है और देखते हैं अगर डॉक्टर बोलेंगे कुछ आगे टेस्ट करवाने के लिए तो मे बी मेरे ख्याल तक USG या फिर जो वो बोलेंगे उस हिसाब से हम लोग आगे टेस्ट करवाएंगे फिलहाल तो। और अभी फिलहाल यही है कि ब्लड रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं और थोड़ा सा नर्वस है कि क्या आएगा रिपोर्ट में। तो भगवान भरोसे बैठे हुए हैं इंतज़ार करते हुए, और पूजा वगैरह करना है तो थोड़ा सा घर का साफ़ सफाई करेंगे उसके बाद पूजा करेंगे, लेकिन फिलहाल बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आज रामनवमी है और हिंदू लोगों का नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है, तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। नौ वर्ष पहले ही चालू हो गया था पर आज रामनवमी है। आज रामनवमी है तो ऐसा कहा जाता है कि रामनवमी के दिन ही, रामनवमी के दिन नहीं होता है, रामनवमी के पहले होता है। हाँ, पहले एकम, दिन मतलब एकम, एकम, एकम के दिन, जिस दिन मतलब इसे भी दुर्गा नवमी ही कहते हैं, जो पहला दिन होता है वो पहले दिन को हम हिंदू नववर्ष का पहला दिन मानते हैं। और राम जी से हर चीज जुड़ी हुई है, जैसे इस पावन धरती में, तो हम रामनवमी को ही। और हम लोग का फेस ना काला काला इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि हम लोग सो के उठ के बैठे बैठे हैं और अंधेरा है यहाँ, अंधेरा तो है। ऐसे भी ऑलरेडी हम लोग काले हैं, कोई गोरे वोरे नहीं है। नहीं, मैं गोरी हूँ। तो शाम को मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई, जब मैं लास्ट वीडियो बनाई थी मैं और मेरे हस्बैंड बाहर बैठे थे तभी का, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट को लेके, पर अभी रिपोर्ट आया नहीं है। 6 बजे तक आना था पर आया नहीं है, मे बी कल आया। अगर नहीं आएगा तो हमें पैथोलॉजी जाके रिपोर्ट कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर को रिपोर्ट देखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस हिसाब से जो मेडिसिन वगैरह वो चलेंगे, तो रिपोर्ट में क्या आता है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी, तो दिन की जो भाजी और रखी हुई है लाल भाजी की, तो रोटी के साथ हम उसे ही खा लेंगे। और आज रामनवमी था, पर रामनवमी के दिन कितना पहले चहल पहल होता था और कितना उत्साह से लोग रामनवमी मनाते थे, पर इस साल भी ठंडा गया रामनवमी, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए कोई भी, तो सब अपने घर में ही है अच्छे से। और आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, यहाँ तक देखा है व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग को जरूर लाइक करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।